देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में शुक्रवार रात बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला शाम करीब 8:30 बजे हुआ, जब वो अपने दफ्तर में बैठे थे। कुछ बाइक सवार लोगों ने उन पर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो द्वारका के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक द्वारका के बिंदापुर थाना क्षेत्र में कुछ बाइक सवार लोगों ने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला पर 6 गोलियां चलाई, उनकी मौत हो गई। सुरेंद्र पूर्व पार्षद और नजफगढ़ से भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी थे। डीसीपी के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस की कई टीमें जांच में लगा दी गई है, क्राइम ब्रांच भी जांच में जुटी हुई है। अभी तक हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है।